केरला में जो बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें, और मेरे यहाँ जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में, उनमें अपने आपका एक केस स्टडी दिया मैंने। तुम लोग ये लोकेंद्र तोमर को फॉलो करो। नमस्कार लोकेंद्र जी। जी सर, नमस्कार जी। मैं तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ, 40 साल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया फौज का, जी तो 9 महीने से आपका ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ जी और मेरा पूरा परिवार कर रहा है, तो जी मैं बहुत अच्छा क्लाइंट हूँ आपका। मेरा इतना अच्छा हो गया था शुरू में क्योंकि मैंने 100% एज पर योर गाइडेंस फॉलो किया। जी तो मैंने केरला में जो बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें, और मेरे यहाँ जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में, उनमें अपने आपका एक केस स्टडी दिया मैंने। तुम लोग ये लोकेंद्र तोमर को फॉलो करो। अभी तुम प्रोफेसर हो, MBBS, MD, ये बला बला बला, ठीक है, FRCS, बट जी तुम्हारी चीजें, जब बुखार की गोली खाई और बुखार उतरा नहीं, तो इसका मतलब इट इज नॉट वर्किंग। तो लोकेंद्र साहब की फिलोसफी को फॉलो करो। क्यों, मैंने उनके सामने अपने आप को प्रोड्यूस किया कि मेरा 8.9 से कभी नीचे आया ही नहीं, और मैं 1000 मिलीग्राम जो है ना TDS खा रहा था, सिटाग्लेप्टिन खा रहा था, और वो जो फिर भी 250 से नीचे नहीं आता था। तो ये 9 महीने में मेरा बहुत अच्छा हो गया था। सिर्फ मेरी एक तकलीफ है कि मैं एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, जो हर 3 महीने में, जैसे अभी मैं गया था वहां पे वायनाड में 2 दिन के लिए, अभी वहां पे आपका आटा वगैरह नहीं ले जा सकता, बिस्किट ले जा सकता हूँ, और अफसर रहा हूँ जिंदगी भर, तो माल मलिदा खाने का बहुत ही शौकीन हूँ और खाता रहा हूँ। तो अभी वहां क्या हो गया, सडनली वो जो है ना शुगर स्पाइक कर गया, और मेडिसिन तो मेरी 7-8 महीने से बंद थी, 6.2 पे मेरा HbA1c आया हुआ था। मैं आपकी चीजें फॉलो कर रहा था, खाने पीने का बहुत हाई है, मतलब EGL जो है वो बहुत हाई रहता है। तो मुझे जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक तो वो एसिडोसिस हो जाता है पूरे वो नीचे लोअर लिम्स में, वो इचिंग आती है, वो डायबिटीज वाली इचिंग है, और दूसरा मुझे हेडेक भी शुरू हो जाता है जब 200 से ऊपर जाता है, और फिर एकदम जो है वो नीचे शाम को 80-90 गिरता है, तो मुझे हेडेक भी आता है। तो मुझे ये दो कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं? 10 दिन, जैसे अभी मेरे को वायनाड रहना था, मैं 2 दिन में वापिस भाग गया, और फिर मैंने क्या, मेटफॉर्मिन में से शूट नहीं करती है, सिटाग्लेप्टिन मैंने शुरू किया आपके डॉक्टर से बात करके, 50 मिलीग्राम BD, तो उससे किसी हद तक मेरा वो 250 की बजाय जो है 180-90 तक गया, और जिससे मुझे हेडक हो रहा था वो भी थोड़ा कम हो गया सिटाग्लेप्टिन की वजह से, 50 मिलीग्राम BD। तो मुझे ये बताइए कि ये दो कॉम्प्लिकेशन मुझे क्यों हो रहे हैं? एक तो सर, जो जैसे ही ब्लड शुगर राइज होता है ना, तो ये आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो समहाउ किसी भी तरीके से हमें ब्लड शुगर लेवल को राइज होने नहीं देना है। हाँ, अब इसके दो टेक्निक हैं आपके पास। जैसे आप घर पे हैं तो आप आराम से अपना EGL कंट्रोल कर लेते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। अब दूसरा टेक्निक की जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, जहां पे आप अपना मील का EGL कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा ड्रग सपोर्ट होगा। तो जैसे अभी आप सिटाग्लिप्टिन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस टाइप के ड्रग, तो जब भी आप घर से बाहर हो, EGL ज्यादा हो, तो यही हमें सपोर्ट मिलेगा। आई थिंक ये रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा कि जो हेल्प करे। अच्छा, और वैसे धीरे धीरे करके मेरे कुछ ऑफिसर फ्रेंड हैं जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों ने भी मुझे फॉलो शुरू कर दिया। मैं उनको पहले क्या करता हूँ, 1 किलो आटा दे देता हूँ, भाई ये खाओ और फिर मेरे को बताओ, कम हो तो तुम 2.5 बक्सी से मंगा लेना। तो मैं ज्यादातर केरला में भी, मैंने जो मलेशियन डॉक्टर्स आए थे उनको भी मैंने यही किया, 6 किलो फ्लाइट में लेके गया, सबको 1-1 किलो दिया अपने सामने, कहा उनका 140 आ रहा था फास्टिंग, और आपकी 2.5 बक्सी खाने से 90 आया। तो दे हैव करेक्ट टेकन दैट आटा, उसका रिजल्ट आएगा आज नहीं तो कल। और वहां जी जो डॉक्टरों की टीम है धीमई के अंदर, वन ऑफ द जी बेस्ट हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, उसमें भी आटा दे के आया हूँ, EGL चार्ट दे के आया हूँ आपका, और वो लोग धीरे धीरे स्टडी करके मेरे से सवाल पूछते हैं, तो मैं फिर समझ सकता हूँ कि धुआं जो है ना निकलना जी शुरू हुई है, तो एक ना एक दिन आग भी निकलेगी। आई एम इम्प्रूविंग, आई एम फॉलोइंग यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी अपनी डायबिटीज मैनेज करने के लिए हमारे सर्टिफाइड डायबिटीज कोच के साथ अपनी फ्री डाइट कंसल्टेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहा उनका 140 आ रहा था फास्टिंग, और आपकी 2.5 बक्सी खाने से 90 आया। जी तो मैंने केरला में जो बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें, और मेरे